गले मिल मेरा बच्चा. I still can't believe लखन तू यहाँ है. I really can't believe. I'm gonna cry. How sweet. ओए लखनी. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स. मेरी पैकिंग डन हो चुकी है क्योंकि आज हम फाइनली जा रहे हैं नमिता आंटी के पास और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. वैसे तो मैंने इंडिया में उनसे कभी बात नहीं करी. लखन ने बहुत बातें की हैं लेकिन मैंने कभी नहीं करी. यूएसए आके मैंने इतनी बातें करी ना उनसे, जैसा लग रहा था कि मम्मी की कमी पूरी नहीं हो रही थी. तभी तो मैं लखन को बोलूँ लखन इतनी बातें क्यों करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल माँ जैसा फील, माँ जैसा प्यार करती हैं. एंड सुबह सुबह का रूटीन मैंने अपना कंप्लीट करा, मैंने अपनी हनुमान चालीसा पढ़ी. अगर गाइज आप भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हो, 14 दिन कंटिन्यूस 14 दिन पढ़ो, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और एक विश भी मांग लेना 14 दिन तक, वो भी पूरी होती है. तो मैं नमिता आंटी जी के लिए भी लाई हूँ ये बैग. आंटी ने बिल्कुल मना करा है कि बेटा मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आना, आप प्यार लेकर आओ वही काफ़ी. आंटी को पता कैसे चला मुझे तो ये समझ नहीं आया, लेकिन मैं आंटी को दूंगी यार. जिसको मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ यार, उसको तो यू नो गिफ्ट देना तो बनता है. और ये गिफ्ट नहीं है, ये जस्ट प्यार है. क्योंकि जो हमसे कल मिलने आए थे पंजाब से, उन्होंने भी गिफ्ट दिया, तो ये उनका प्यार है जो हमें देते हैं. और अभी मैंने उनको इन्वाइट भी किया है कि वो फर्स्ट को अगर फ्री हैं तो वो आएँ, तो हम भी उनको कुछ अपनी साइड से दें. हमें बहुत दीदी आप डांटते क्यों नहीं लक्षु को यार, मेरे सुनते नहीं है पुलिस अभी. तुम नमिता आंटी वहां पर वेट कर रही हैं, 10 बज गए, कब निकलेंगे? एक मिनट सुनो, आज मैं भी सोच रहा था नमिता आंटी की को मेरे से तो कोई उम्मीद रही नहीं. पहले आंटी ने मुझे कॉल किया, मैं इधर बैठी थी, फिर तुम दीदी को किया. भाई मेरे तो लास्ट कॉल आता है, लास्ट कॉल ही फिर मैसेज आता है. उन्हें पता है मेरे फोन इधर के हूं, मैं देख रहा हूं नीतू का फोन आ गया, मैं देखूं दीदी का फोन आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया? तुम फोन आंसर नहीं करते? मेरा फोन मेरे पास नहीं रहता भाई. नहीं मेरा भी नहीं, दीदी मेरा भी नहीं. कैसे लोग हैं, बहुत ही गंदी आदत है लगन की. दीदी हम लोग तो रेडी हैं, जीजू भी आज वायरा रेडी करने, दक्ष रेडी है, जीजू भी आज रेडी हो गए हमारे उधर. तो तुम्हारे ड्राइवर और कंडक्टर रह रहे हैं बस. मैं सवाल तो दिया दीदी, मैं सोच रही हम दूसरी कार में चलें, टेस्ला में चलते हैं. हाँ हम लोग मैडम जाने हुए. हाँ ये वो सही रहेगा, चले. रियल एकदम ब्लैक कैसे हो गया तुम? मैं वायरा दूसरी कार में जा रहे हैं. जीजू जाए हम दक्ष परेशान कर. जाओ जाओ, मैं भी तो यही चाहता हूँ. दक्ष मामा और पापा के साथ हम दूसरी कार में चले. दूसरी कार में दीदी चल सकते हैं? और क्यों नहीं जीजू, फिर तो हमें जाने की जरूरत नहीं. एक आध घंटे बाद फोन आएगा, हम यहाँ खड़े हाईवे पे, आ जाओ लेने हमें. हाँ ठीक है. जीजू और दीदी की पैकिंग हो गई है, लखन की पैकिंग थोड़ी सी डिले है एंड जिस वजह से हम लेट हो रहे हैं. क्या दीदी जीजू की पैकिंग नहीं हुई है, दीदी और बच्चों की हुई है. यार दीदी करवा दो जल्दी, हम लेट हो रहे हैं. जीजू जल्दी करो यार, आप और लखन बिल्कुल सेम हो. दीदी क्या बोलना चाहोगे? लखन की तो पैकिंग हो चुकी. नहीं हुई? नहीं हुई. आपकी वजह से पता चला, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए और ये सब हुआ, तभी हमें पता चला आज 28 दिसंबर है. मेरी नाक सुर 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 की जा रही है. सुर सुर मतलब ये बताओ तुम्हें पता चला 10 महीने हो गए? हाँ हो गया ना, दीदी ने याद दिलाया मेरे को बाहर. वो तो ठीक है, दीदी ने याद दिलाया, मुझे तो पता नहीं चला था. हमारे फैन पेज ने इतने सारे वीडियो फोटोज बना के डाल दिए, तो उन्हें देख के आधी चीजें पता चलती है हमारी लाइफ में क्या हो रहा है. चलो मैं पैकिंग कर लूं. सच में यार हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हमें दूसरों से पता चलता है क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं देखते. सो गाइस अब हम लोग सब रेडी है चलने के लिए. बस यहाँ से अपना सामान अभी कुछ और रहता है, बाकी मैं सामान गाड़ी में ऑलरेडी रख के आ चुका हूँ. बाहर बारिश पड़ रही है बहुत ज्यादा. यहाँ से हमारा प्लान है, हमारी आज रोड ट्रिप है, पहली यूएस की द ड्रीम रोड ट्रिप. सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं नमिता आंटी के पास, उसके बाद हम लोग निकलेंगे नायगरा फॉल्स के लिए. शायद रात बहुत ज्यादा हो जाएगी तो नायगरा फॉल्स आज विजिट नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे. लेकिन गाड़ी हमारी वो वाली जा रही है और चार जी वाली करी है, ये किसका दिमाग हो सकता है? जीजू से पूछता हूँ. नितारा नितारा इतनी बेटा गाड़ी में जगह भी नहीं जितना तू सामान भरे जा रही है. ये 4-5 बैग तेरे हैं? नहीं सिर्फ ये आंटी को देना है, नमिता आंटी को है ना. हाँ. और बाकी का तेरा है सब? बाकी दो मेरे. हेलो हाय करो, से हाय. अच्छा एक बात बताओ, हम जा रहे हैं वॉल्वो से, टेस्ला चार्जिंग पे किसने लगाई है फिर? वो आपकी जीजू ने. वाह यार रात लगा दी थी. आ जाओ बहन. बस साक्षी दीदी आ रही है, जीजू हमारे आ चुके हैं और आप ये सब देख सकते हो. हमारी बहन ने बारिश में सब सुखाने के लिए बाहर डाला है. साक्षी दीदी ने सब बाहर बारिश में डाल दिया सुखाने के लिए. बहन ये जो आपने पर्दे सुखाए ना बारिश में, अब ज्यादा बोलो तो मैं उसमें रख दूं बाथ टब में इनको. वो मेरी तरह बात नहीं है, वो कुछ और वजह से लगाए मैं. अच्छा सुबह यहाँ पर दीदू और जीजू का वेट हो रहा है, दक्षु और मैं बैठ गए हैं. दक्षु जल्दी से काउंटिंग सुना दो 1-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. बस 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 वेरी गुड. तो दक्षु को टेबल्स आते हैं,
काउंटिंग आती है, एबीसीडी आता है, और क्या क्या आता है आपको? कल से दक्षु को मैं पढ़ाऊंगी. ओके दक्षु, आप मुझसे पढ़ाई करोगे, स्टडीज करोगे मेरे साथ? मैं करवाऊं आपको कल से? पिट्टी पिट्टी भी होगी फिर तो. भाई एक चीज तो मैंने यहाँ पर देखी, दीदू दीदी और जीजू बिल्कुल रेडी थे, लेकिन बच्चों की वजह से यू नो हर एक चीज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ये चीज मैंने इन दोनों से सीखी और सच में मैं देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहा था. मैंने बोला दीदी पैर की तरह लंबा सफर है, पैर के पास कैसे, पैर के मतलब नीचे कैसे रख के लग जाएंगे? दीदी बोला हो जाएगा. और देखो मैं भी अभी तैयार हो जाता है, लंबा सफर है आई नो, बट वेदर बहुत अच्छा है. आयना वेट करें, आप आयना को क्यों नहीं लेकर आए? अच्छा, बिकॉज़ पापा के पास है. पापा के पास क्या है? आयना. ओके तो आप वेदर देखो कितना सुहाना है. लखन कैसा है वेदर, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा सुहाना लग रहा तेरे को? हाँ फिर तो कुछ नहीं कह सकता भाई मैं. क्यों अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? बहुत अच्छा. प्रेस भी लेकर चलोगे? हाँ ये रखा. तो जीजू ने सारा सामान सेट कर दिया है, हम ओवर ही सामान लेके जा रहे हैं, जबकि सिर्फ दो दिन के लिए जा रहे हैं ना दीदी. बट यार सब सामान लेकर भी इम्पोर्टेंट है ना, ये लेके चलना. आप ले नहीं? देखो आयना हमारा वेट कर रही है. ओरी जय माता दी एवरीवन. अब हम लोगों की कार स्टार्ट हो गई है, हम लोग निकल रहे हैं. यस हम है पैसेंजर, हमारे ड्राइवर और ड्राइवर सर तुम्हें ड्राइवर बोला, जीजू को नहीं बोला. हम फ्यूल डलवाने के लिए रुके हैं. लखन को बहुत तेज वॉशरूम जाना है. आप बिलीव करो ना करो लखन का बहुत बुरा हाल है, लेकिन आज ना पता नहीं क्यों ठंड नहीं है इतनी जितनी होती है. बारिश भी हो रही है लेकिन 9 डिग्री, जी जो 10 डिग्री है ना यहाँ पे, बट इतनी ठंड नहीं है. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर है. मैंने तो सिर्फ एक ही एक ड्रेस पहनी है बस, और कुछ नहीं पहना अंदर से. और यहाँ पर सेल्फ सर्विस है भाई, खुद अपना फ्यूल डालो अपनी कार में, किसी की हेल्प नहीं लेनी. और यहाँ पर इतना सुंदर सजा हुआ है यार हर एक चीज, क्योंकि न्यू ईयर है एंड क्रिसमस अभी गया है, कितना सुंदर लग रहा है. अब मैं स्टोर में जाके देखती हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या. लखन कहाँ पर वॉशरूम करने गए हैं? कॉफी बार है यहाँ पर, चिप्स है, लेज है, एंड मेरा फेवरेट नाचोस. और देखती हूँ क्या क्या है, सारा इंडिया वाला है जो भी है. ये क्या है? दक्ष और आयरा के लिए मैं ये ले रही हूँ न्यूट्रेला. पहले मैं न्यूट्रेला बोलती थी इसको, न्यूट्रेला को मैं ये ले रही हूँ. मैं भी बहुत खाया करती थी लेकिन अब मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उन दोनों के लिए ले लेती हूँ. बाकी जीजू के लिए कॉफ़ी ले लेती हूँ. किसी ने मुझे बताया नहीं कि क्या लेना है क्या नहीं, मैं अपने खुद से ले रही हूँ. अगर खाया पिया नहीं ना मुझे बुरा लगेगा यार. हेलो लखन कहाँ हो तुम? अरे भाई गायब क्यों हो रहे हो ऐसे? हाँ क्या लेना है? इतना रिलैक्स मिला. लेकिन वॉशरूम क्लीन है तो क्या खा रहे हो भाई? आंटी के घर में भी खाना खाना है, मैंने ये ले लिया है. जीजू के लिए कॉफ़ी ले लो एक बार. लेकिन यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट है, लाइक वैसा नहीं है जैसा हम लोग इंडिया में खाते हैं. ऑब्वियसली नहीं होगा वैसा. आयरा आयरा आपको क्या खाना है? ठंडा मौसम है इसलिए हम आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, लेकिन कुछ और तो खिला ही सकते हैं. और अभी हम रास्ते में ही ये खाते हुए आ रहे थे कोकोनट मैक्रॉन एंड इसको यहाँ इंडिया में कुछ और बोलते हैं. और आपने ये देखे होंगे मेरे बर्थडे पर पापा बना के लाते थे, क्योंकि पापा बेकरी में थे उस टाइम, तो ये पापा बना के लेकर आते थे और इतने टेस्टी, बिल्कुल सेम वही टेस्ट है. तो मुझे याद है कि जब मैं यू नो 6-7 साल की थी और मैं पापा का वेट करती थी कि आज मेरा बर्थडे और आज एक्स्ट्रा मुझे खाने को मिलेगी, तो वो हमेशा हर साल मेरे बर्थडे पर मुझे एक्स्ट्रा देते थे. लाइक मैं 10 तो खा ही लेती थी उस टाइम भी. कुछ भी मत उठाओ समझे, आइसक्रीम खा लो. हॉट पॉकेट से पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर, पास्ता भी है मोर मीट के साथ है, लेकिन यार वेज नहीं है. बाहर आके दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर नॉन वेज ज्यादा मिलता है, वेज के ऑप्शंस कम होते हैं. क्या हो गया आयरा को? आयरा आयरा को क्या चाहिए? लगा ने आइसक्रीम ली है. कैसी है आइसक्रीम? जैसी मस्त जोक मारा दीदी. यार आप जीजू जीजू ने ब्लैक कॉफी ली है. आप दीदी ब्लैक कॉफी कैसी है? ब्लैक कॉफी ये भी लिया है आपके लिए समझे. खाना है सब खत्म करना है. फाइनली 3 घंटे की ड्राइव के बाद, 3-3.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग आ गए नमिता आंटी के घर में, जो कि बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा घर है आंटी का. और मैं तो वेट कर रही हूँ आंटी कब मेरे सामने आए और अपने दर्शन दे. बस एक्साइटमेंट तो मेरे को भाई से मिलने. तुम इतने टाइम से बात कर रहे थे गुपचुप इंसान. अपनी माता से मिलने की एक्साइटमेंट आ रही है. हम लोग पहुँच गए और ये पहाड़ों का एरिया है. जी जो हम पहाड़ों पर है ना ये. हाँ यार ज्यादा ठंड है, तरफ हिल स्टेशन वाला फील है, इतनी सारे पहाड़ है. ओह माय गॉड हमारी आंटी जी ये रही. हेलो हेलो
आपके बेटे को कैमरा मैन बनाया हुआ है। नमस्ते नमस्ते करते ना बेटा, नमस्ते करो दक्षू, पैर छू बेटा, पैर छू, नमस्ते करते आंटी के। वो भी थोड़ा नर्वस हो रहा है, थोड़ा नर्वस हो रहा है। मेरे को हगी चाहिए, हगी हगी, बहुत सारी हगी। थैंक यू। अभी नर्वस हो रहा है बेटा। अनीता तुम तो बहुत डिफरेंट, पतली, बहुत पतली है। नहीं नहीं मैंने कपड़े कम पहने, मैं ज्यादा बड़ी हूं। मेरी गोदी 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 कोई बात नहीं आंटी, बहुत हल्की सी है। आंटी ने हलवा बनाया है। अरे वाह, मेरे पास मिठाई नहीं थी एंड इंडियन स्टोर इज नॉट नियर बाय। नहीं आंटी हलवे से अच्छा गया है। चलिए नहीं नहीं गले 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 नहीं थे गले, बेटी अब गले अच्छी लगती है। नहीं नहीं आई आई अरे नहीं नहीं प्लीज जी जी मैं पकड़ लेती हूं। आ जाओ यार ठंडी जी। चू चाचा नोना लक्ष्मी आई है। नमस्ते कर लो। कंजा खाई हमारे घर, कंजा खाई है। अरे नहीं प्लीज नहीं, तू तो बेटी है यार, तू तो बेटी है, लखन की बहन है ना तू। हाँ जी हाँ जी। तो फिर बेटियां नहीं पहुंच होती हमारे यहाँ। हेलो कितना प्यारा डॉगी है। सुदेश मेरे को छेड़ रहे हैं, मेरा लखन आया, मेरा राम लखन आया। तू तो मेरे गले मिल, तू तो मेरे गले मिल मेरा बच्चा। I still can't believe लखन तू यहाँ है। I really can't believe. I'm gonna cry. How sweet. कलेजे को ठंडक लग गई। He spends half the day watching you guys. हाँ। हाँ। मैं ठीक हूँ, तू बता। बहुत लंबी जर्नी है। कोई बात नहीं, कोई हवा चल रही, कोई बात नहीं। आई नो, चलो अब हो गया, कोई नहीं। वो बार बार ना अच्छा He was not a dog person at all. Okay. So this is our son's actually. बेटी का है तो. अच्छा अच्छा. मामा मामा मामा. आंटी का घर कितना सुंदर है और बहुत सुंदर है. छोटा नहीं है, बहुत ही सुंदर है. But पता है कि हमारे लिए this is perfect. Right right. हम दोनों ये भी नहीं maintain होता. आप कितनी सुंदर जगह रहते हो. आपने इतना साफ रखा है घर को, इतना सुंदर कि मैं क्या बताऊं। दो जने हैं, सुदेश अच्छी है करने में। अच्छा हमें देखना है आंटी कितना सुंदर है। बहुत ही सुंदर घर है गाइस। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल मोमेंट है। मेरी देखो, मेरी मेरी आंटी यहाँ पर है। आंटी आपने क्या क्या बना लिया? कड़ी वो नहीं खाती। तो कौन नहीं खाती? मैं नहीं खाता। शिट यार। नहीं बट मैंने बनाना है। खाते नहीं खाते हैं। मैं भी कह रहा था मैं खाना आ गया हूँ। खाओगे? खाते हैं खाते हैं। पता नहीं टेस्टी लगता है। आपने तो आंटी एक एक बात ऑब्जर्व कर लिया, उसके हिसाब से बनाया है। वो तो करना ही है ना, अपने बच्चों का है। आंटी प्लीज आप बताओ हम क्या कर सकते हैं। बस कुछ नहीं बेटा, रोटी बनी हुई है। अच्छा मैं ये ना ले जाती हूँ, तो मैं इसको देता हूँ। गर्म होगा वो। आंटी थोड़ा बहुत काम तो करने दो, ये पूरा तो आपने कर ही दिया सब। एटलीस्ट कुछ तो करने दो। हे भगवान, बहुत सारा बनाया आंटी आपने, बहुत सारा बनाया। आंटी जी आप बहुत परेशान हो गए यार। कुछ नहीं कुछ नहीं, इतने परेशान हो गए तो फिर कैसे चलेगा। तू मेरा बेटा पहली बार आया, बेटी पहली बार आई है। थोड़ा थोड़ा नहीं नहीं आंटी आप बैठो, हम काम करेंगे। मैं बता दो वहां पर कर दो। रोने का मन कर रहा है, मतलब इतनी सारी चीजें बनाई हैं। पसंद है मेरा अकाउंट।
चटनी इतनी सारी चीजें बनाने की क्या जरूरत है? तो कुछ खाएगी ना इसमें से, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। सब कुछ खाऊंगी, सब कुछ देखती हूँ कितना कितना। अच्छा आंटी तो डांट भी लगा सकती है भाई, और तो कोई यहाँ है नहीं। दीदी दीदी तो थक गई इधर से, क्या कह दीदी तो मुझे अच्छा लगेगा, दीदी भी डांटेंगी तो। अच्छा कह रही है कि दीदी मुझे डांटेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं कह रहा हूँ इसको खाने के लिए कह के तो सब थक गए, तो दीदी डांटेंगी नहीं, दीदी एक स्टेप और भी आगे जा सकती हैं। दीदी कर देना जी। दीजू आजो भाई, सच्ची में ऐसा लग रहा है कि इतना इतना प्यार हर जगह। अब हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। मोटू मोटू, आई एम नॉट फोटोजेनिक। नहीं आप बहुत मोटी मोटी आती हूँ। मेरी मम्मी को भी मैंने दाग बहुत ही पीछे छोड़ दिया। नहीं नहीं मेरी मम्मी भी बिल्कुल आपकी तरह है। मैं कह रही थी, मैं आज सोच रही थी थोड़े से जले वाले चावल बनाऊं लखन के स्पेशल। यार आंटी ने कड़ी और पकौड़िया बनाए ना, मुझसे सबसे पहले आगे पूछा तो पकौड़ी काटी नहीं काटी। खीर बनाई है और ऐसी खीर, ये जीजू ये ऐसे कभी कभी मिलती है जब किसी को खिलाना होगा तो। अरे ऐसी चमक आंटी के फेस में, ऐसी चमक। आंटी सच में बहुत टेस्टी आपने खीर बनाई, खाना तो खैर बहुत ही अच्छा बना था, बट खीर की तो बात नहीं। सब लोगों ने देखा कि जीजू बहुत ज्यादा तारीफ खाने की नहीं करते, ये तो सबने ऑब्जर्व करा, लेकिन जीजू ने बोला कि उनकी बेस्ट खीर है। क्या बात कर रहे जीजू दीदी? अच्छी है दीदी, बहुत सही बहुत सही। अंकल आपने कैसी लगी? अंकल नहीं, अंकल आप बहुत लगी हो, अंकल बहुत लगी है। शुगर क्यों नहीं खा रहे हैं? डायबिटिक होने का रीजन क्या है? आंटी के हाथों का काम। बट सच में अंकल आप बहुत लगी। Interestingly, when we came here, she didn't know how to cook. Seriously? क्योंकि like, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मैं अभी कॉलेज में थी, शादी हो गई। अच्छा तो उस टाइम तो कहाँ, और मैं हॉकी खेलती थी। I was a sports person. तो कभी ट्राई भी नहीं हुआ। तो आपने कहा यूट्यूब से सीखा, कहाँ से सीखा आपने? अच्छा सॉरी 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 माय बैड माय बैड, माफ कर दो मेरे को। कहाँ से सीखा आंटी आपने? फिर धीरे धीरे मेरे को मेरे कल ब्रदर बना हुआ है, उसने मेरे को एंगेजमेंट पे दी थी प्रीतम ओबराई की कुक बुक। ओके तो उससे देख देख के फिर फैमिली में गई, उनकी जॉइंट फैमिली थी, तो वहां पर फिर मैं पूछती थी ये कौन सी दाल है, ये क्या है, कितने आउंसेस, वो पूछते आउंसेस ना, ये अनियन कितने आउंसेस। अब तो एवरीथिंग इज आईबॉलिंग। हाँ जी। नहीं वैसे वैसे यहाँ ये तीनों है, और तीनों को शादी के पहले कुछ नहीं आता था। नहीं दीदी भी बाद में, और ये भी बहुत टेस्टी बनाती हैं, और नीतू भी। तो यार हमें मेहमान कह दिया ना आपने, हमें मेहमान बोला गया। अच्छा आप देख लेना, मेहमान बोला गया आपके बेटे को? नहीं नहीं बेटा है मेरा, बहू है, बेटी है। उनको करने दो ना काम फिर वहाँ। आपने इतना सब कुछ करा भाई, अब कम से कम वो बर्तन धो रही है, उसमें भी आप नहीं करने दे रहे हो। गलत बात है ना, आगे बैठे बातें कर रहे हैं अंकल, गलत बात है ये। नहीं ये तो गलत, ये देख लो जी, वो कह रहे मेहमान, हमें मेहमान कह दिया, वो हिट कर गई मेरे को बात। स्पेशली उसने बोला ना बर्तन ही साफ करता हूं मैं। भाई दक्ष तो पूरा शोर मचा रहा है, नानी यहाँ बैठी हुई है उसके पास। दक्ष सारे पिलो साइड में लगा लिए, मैंने कहा तूने अपना फोर्ट बना लिया। अच्छा तो कह रहे हाँ फोर्ट बना लिया। और अभी आयरा ने, आयरा ने नहीं सुनाया अभी तक, जॉनी जॉनी शायद। ये चीज में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि हमारे इंडियंस बाहर आते हैं ना, तो किस तरीके से अपना कल्चर कहीं नहीं भूलते। ये देखो आंटी जी का रूम है जिसको मंदिर बनाया हुआ इधर, और कितना सुंदर माता। अच्छा है ना दीदी? बहुत जय जय। आयरा ने भी जय किया। तो यहाँ हमारी आंटी जी अभी भी थमी नहीं है, नहीं कैसे थम सकती हूँ, खाना पैक कर करके दे रही है। अच्छा इन्होंने अभी हमको पता ही नहीं था कि इन्होंने वो भी बना रखे थे अपने ले रही है, पाव भाजी भी कर रखी। देखो वो हमें बच्ची आया मेरा फर्स्ट। इतना परेशानी क्यों ली आपने फिर? परेशानी होती है बच्चों से, परेशानी तो ना होती है।
बच्चों को मिलसे मिलके कोई परेशानी नहीं। लोग अच्छा को बोल रहे हैं कि लखन भाई आप यूएस ही शिफ्ट हो जाओ। हाँ बिल्कुल, कम हो गई यार। मेरी बहन भी बुला रही है, मेरी आंटी भी। इतना सारा पैक कर दिया आपने। अभी और नीचे लेने भेजा है वो पाव, क्योंकि भाजी भी बनाई हुई है। अभी थोड़ी देर में नीतू गुस्सा करने वाली है, जैसे वो अपनी मम्मी को डांटती है ना। अभी यहाँ उल्टा रिवर्स डांट लगने वाली है थोड़ी देर में। मेरी मम्मी की तरह मम्मी होती है, ऐसी है। मम्मी को खुश कर दे, थोड़ा सा खा ले। मन बिल्कुल नहीं कर रहा, अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। सीधा हम नायगरा फॉल्स जाएंगे और रास्ता है 6 घंटे का। आंटी ने इतना सारा खाना बना दिया रास्ते के लिए भी, कल के लिए भी हो जाएगा, मेरे ख्याल से परसों के लिए हो गया जितना सारा खाना उन्होंने रखा है। बहुत मन से खाना बनाया, जाते टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत इमोशनल हो रहा है, सभी लोग इमोशनल हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा आंटी से दोबारा से जल्दी से मिले, या तो वो इंडिया जल्दी आए या फिर हम दोबारा इधर आए। See this, अभी आंटी ने देखो चाय भी मेरे लिए, चाय भी रास्ते के लिए बना के पैक करके रखा। भगवान क्या क्या कर दिया आपने, बहुत। तुम लोग आए हो इतनी दूर से, ये सबसे बड़ी बात है, प्यार का, प्यार की वजह से आए ना तुम लोग। इतना सारा खाना बनाओगे? कुछ भी नहीं, जो जितना दूर से आएगा उसको उतने सारे खाने। और क्या, तू तो इंडिया से आया। अब आयरा पारी कर रही नानी को, पारी। अब नानू को भी पारी मिल रही है, पारी पारी कर दो, पारी कर दो, पारी 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 ऐसे दीदी पारी, चीक से चीक करके। यू गोइंग टू कम टू मी, यू गोइंग टू स्टे विद मी? नो, इजा का कैमरा। हां भाई, मैंने प्लीज 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 प्लीज, कोई नहीं, आशीर्वाद। हां आशीर्वाद हमारा, बहुत आशीर्वाद। लॉर्ड ब्लेस मी और नाउ, ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम होता है सब ठीक हो जाता है। तो नीतू के बर्थडे पे कितना अच्छा किया, दैट वाज रियली गुड नीतू। दीदी ने, मम्मी ने किया। ध्यान रख, हाँ ध्यान रख, ओके, ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान रख अपना। जी 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 जी, आप कब आ रहे हो, आप इंडिया कब आ रहे हो? बस चक्कर लगाएंगे, जल्दी जल्दी, सॉरी है वो आपका, सॉरी दीदी के साथ चक्कर लगाना, चल देखते हैं। हां ले लिया मैंने, ले लिया, चलो बस हो गया, हां ले लिया, ले लिया, ले लिया। हम खुशी को बाय बाय कर रहे हैं एंड बहुत सैड बाय बाय है, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल हो गई खुशी को देख के, क्योंकि इसकी एज अभी 11 है और ये वॉक नहीं कर पा रही, क्योंकि जितनी इनकी एज बढ़ती जाती है ये लोग नहीं कर पाते हैं ना। इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है, ये देखो लगन को देख के। तो उसमें यही बोलूंगी, ये ऐसे ही है जैसे होते हैं इंसानों की तरह, मतलब इनमें बुढ़ापा जल्दी आता है, ओल्ड जल्दी होते हैं, लेकिन इनकी जो हेल्थ खराब होती है ना उससे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। मैं भी गुची को इतना ज्यादा मिस कर रही हूँ, इतना ज्यादा मैं बता नहीं सकती। बाय खुशी, इसका अंकल आंटी ने इतने अच्छे से ध्यान रखा, इसको पूरा ये रूम दिया हुआ है, बहुत बड़ा स्पेस है इसके लिए, पानी खाना सब कुछ, मतलब अभी 11 साल की होगी है, ठीक से चल नहीं पा रही है, तो वो देख के मैं ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगी। बाय खुशी, चल पागल है क्या, I love you। मन ही नहीं कर रहा खुशी को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी, है ना खुशी, आप इतने प्यारे हो। हाँ पार करोगे, पार करोगे भैया को। I love you। तो लगा ही नैंडी पहली बार बोल रही है। बहुत प्यारे बाटी, सेहत का ध्यान रखना, ठीक है, that's very important, learn from my mistakes। हम ध्यान रखेंगे, आप भी खाने पीना थोड़ा सा ठीक ठीक करेगी, अपने आप हो जाएगा सब, और जो सब चीजें छोड़ दे, लीव इट, कुछ नहीं काम आएगा, अपनी सेहत काम आती है, ये भी नहीं आएगा काम। नहीं, ये तो आएंगे। नहीं आएगा तो मैं कान से पकड़ के सच में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल एक मदर वाली फीलिंग आई, मैं अपनी मम्मी को मिस कर रही थी, बट आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तू बस जब तक है मेरे को फोन कर लिया कर, ठीक है। मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ। हाँ मैं और आंटी का कंपटीशन चल रहा है। आंटी मैसेज करती है मुझे, मैं कभी जल्दी मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो कर देती, फिर उठ गई बेटा, नींद पूरी हो गई। सच में आप बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह।
बहुत स्वीट हो, बहुत ज्यादा. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं तो आंटी जैसे होते हैं. सच में पता है तू अच्छी है ना, इसलिए तू दूसरों को भी अच्छा कहती है. अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं. राइट, यू आर आल्सो वेरी गुड. तू दिखाती नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है. मैं, मेरे को पसंद नहीं है दिखाना. तू दिखाती नहीं है. तो ऐसे लोगों का यही होता है कि लोग ट्रू ओपिनियन नहीं बना पाते. फर्क भी नहीं पड़ता. हाँ, वो तो खैर फर्क नहीं पड़ता. लाइक मतलब मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ और भगवान जी को पता है. बस मेरे लिए उतना ही काफी है. मैं नहीं दिखाती. यू शुड बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. अगर यू आर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, एवरीथिंग इज गुड एंड यू आर राइट. वैसे ही रहना, ठीक है, जल्दी में. पर थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लेना. वेट मतलब मोटी नहीं हो, बट थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा सा. यहाँ पर आके भूख ही नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया. वो जेट लैग से थोड़ा सा हो जाता है. चीजें चेंज है, नमक वगैरह सब. बट आपने हलवा और खीर दोनों पैक कर दिए. बाय बाय, पैक कर दिए. अब हम निकलते. चलो कि मेरा बच्चा ठीक है. ये कब कब मिलना होता है? दोबारा आऊंगा मैं मिलने आपसे. दोबारा मिलूंगा. इतना सारा प्यार दिया. जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटलाइज था, तो आंटी का ना मेरे पे मैसेज आया कि बेटा मैंने तेरे लिए ना माता रानी से प्रे करा है, और माता रानी ने रात सपने में प्रॉमिस करा है कि मैं लखन का ख्याल रखूँगी. और आप इसको, जो लोग ऐसे हैं ना जिनको बिलीव नहीं होता इन बातों पर, तो आप इसको कोइंसिडेंस समझ लो, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है आस्था में कितनी शक्ति होती है. बिल्कुल, बिल्कुल. नेक्स्ट डे से मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होने लगा. और मैं नीतू को पता है, नीतू पता है हेल्थ में इंप्रूवमेंट क्यों हो रहा है? वो नमिता आंटी की ना माता रानी से बात हो गई. तो इतनी इतनी शक्ति है. बिल्कुल. और बिल्कुल. सब बोल सकते हैं कि यार मेरी ना सोशल मीडिया पे क्या कमाई है, वो ये लोग हैं. ऐसे लोग हैं जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, जो जिनको मेरी दुख से उनको दुख होता है, और मैं खुश होता हूँ तो उनके चेहरे पे स्माइल आती है. बिल्कुल. मेरे ख्याल से ना ये ना पैसा कमा के दे सकता आपको, ना आपका रुतबा कमा के दे सकता. ये जो प्यार लोगों का दिल से दिल तक है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान को और कि ऐसे ऐसे लोग मेरे को दिए. हम भी बहुत देखो नहीं तो तुम कहाँ हो, हम कहाँ. यू नो एज डिफरेंस है, मॉनेटरी बहुत डिफरेंस है, ट्रेंड वाइज डिफरेंस है, बट कुछ तो है ना कनेक्शन. कुछ तो कनेक्शन है जो जो मिलाता है. इतनी सारी मिलाने वाली माता रहा. इतनी सारी विशेष मेरे साथ रहती है पूरे टाइम. मैं इसीलिए लोगों कई बार बोलता हूँ कि भाई मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी दुआएं मेरे साथ है. इतने अच्छे अच्छे लोग वाइब्स मेरे को भेजते रहते हैं, अच्छा कहीं भी हो दुनिया किसी भी कोने में. मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ आंटी जी. बिल्कुल. थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच. Because you do good for others, na, that's why भगवान तेरे को कनेक्ट करता है. आपको जरा भी अगर छोटी सी भी तकलीफ हो ना, आप मेरे को मैसेज कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल. And same with you too. And no रोना. और तू क्या, नहीं तेरे को क्या हो गया? क्या हो गया तेरे को? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, बहुत ज़्यादा. आ जा. इतना तो तू रोई नहीं कभी. नहीं इतना रोते मैंने नहीं देखा कभी उसको. I know. मैंने दो बार रोते होते देखा, जब एक दिन तब हुआ था, जब तब इसकी आंखें इतनी सूज गई थी. वो इंसिडेंट हुआ था इसके साथ. बस. पर इतना तो मेरे सामने तो कभी नहीं रोई है. फूट फूट कर रोई जा रही है. विदाई के टाइम रोई थी थोड़ी बहुत, गाड़ी में बैठ के चुप करा लिया था मैंने. रोने नहीं दिया था मुझे. हाँ, बट आप अच्छा क्यों रोना, अच्छा हस्बैंड है, बाकी हम लोग मिले हैं, ठीक है ना. दैट्स द जर्नी. कोई भी कुछ भी होगा मुझे कॉल कर, मैं भी आपको कॉल करूंगा. बाय साक्षी. ठीक है बच्चे. माता रानी नमस्ते. मेरे को तो सबसे एंड में कॉल आता है क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ. हाँ तू करता नहीं है. सबसे सबसे एंड मेरा. ठीक है आंटी. बाय. ख्याल रखना अपना. बाय. अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे. ठीक है. सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. वैसे बहुत इमोशनल व्लॉग था, बहुत बड़ा मोमेंट था एक तरीके से लाइफ का. तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करना मत भूलना. आपको दो दिन से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, और जब लाइक्स कम होते हैं ना मैं सच में थोड़ा सा डिमोटिवेटेड सा फील करता हूँ. तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कल के व्लॉग के लिए वेट करना क्योंकि जर्नी अभी कंटिन्यू होगी. एंड हैप्पी न्यू ईयर. यस सेम टू यू. ओ तुझे बोल रहा हूँ मैं, उनको बोल रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल.